आज हम बनाएंगे एकदम हलवाई स्टाइल आलू की सब्जी और साथ में बनाएंगे हम गर्मा गर्म पूरियाँ। तो सबसे पहले हम पूरियों के लिए आटे का डो तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने 2 कटोरी आटा ले लिया है, 1 चम्मच नमक ले लिया है और 1 बड़ी चम्मच से ऑयल ले लिया है और ये 1/2 चम्मच अजवाइन है। तो इस तरह से हाथ पर मसल के डालेंगे हम अजवाइन को। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा हार्डी डो तैयार करना है हमें इसका। तो ये देखिए मैंने इस तरह का डो तैयार कर लिया है इसका। अब इसको कवर करके हम साइड पे रखेंगे। अब हम आलू की सब्ज़ी तैयार कर लेंगे। ये मैंने एक कढ़ाई ले ली, उसमें डालेंगे 1 बड़ी चम्मच से ऑयल, 1 तेज़पत्ता डाल दिया मैंने इसमें, ऑयल गर्म हो गया है हमारा। 1/2 चम्मच ज़ीरा डालेंगे, 2 मैंने खड़ी लाल मिर्च ले ली है तो तोड़ कर डालेंगे उसे। ये 1/2 चम्मच ले ली है मैंने कुटे हुए धनिए और 1 पिंच हींग ले ली है। हल्का सा इस सबको फ्राई कर देंगे हम। अब ये 1 हरी मिर्च है बारीक कटी हुई और ये मैंने 1 प्याज ले ली है बारीक कट कर। हल्का सा प्याज में कलर आने तक इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारी प्याज में अच्छा कलर आ गया है। अब 1 मीडियम साइज का टमाटर ले लिया था, इसको बारीक काट कर ले लिया है। अब डालेंगे हम इसमें 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1/2 चम्मच ही नमक डाल लेंगे। 1 चम्मच मैंने किसी हुई लाल मिर्च ले ली है। अब इस सबको हम सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है। तो हमें टमाटरों को सॉफ्ट करना है तो हम बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको ढककर पका लेंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं। तो देखिए मैंने इसको 2 मिनट के लिए पकने के लिए ढककर रख दिया था लो फ्लेम पे। तो ये टमाटर अच्छे से गल गए हैं। ये मैंने आलू ले लिए हैं बॉईल करके। इस तरह से हम आलूओं को तोड़ कर डालेंगे। तो हमें थोड़े बड़े बड़े ही टुकड़े तोड़ लेना है इसके, इस तरह से। ये देखिए मैंने सारे आलू डाल दिए। अब इसकी हल्की सी भुनाई कर लेंगे हम। तो देखिए आलू मसाले के साथ अच्छे से भुन गए हैं और जो बड़े पीस थे इस तरह से मैंने उसको चमचे से तोड़ दिया है। अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा पानी, साथ में ही डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब हम इसको कवर करके 1 मिनट के लिए पका लेंगे। तो देखिए 1 मिनट मैंने इसे पका लिया है। ये अच्छे से पककर तैयार हो गए हैं हमारे आलू की सब्जी। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो ये तैयार है हमारी आलू की सब्जी। अब हम पूरियाँ तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारा डो भी अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। इस तरह से हम सारी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर हमारी पूरी को बेल लेंगे। तो ये देखिए हमारी पूरी बिल्कुल तैयार हो गई है और मैंने इसे जितनी पतली हम रोटी बेलते हैं उतनी ही पतली बेली है। और ये मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था तो ये अच्छे से गर्म हो गया। हम इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए ऑयल अच्छे से गर्म है। अब हम हमारी पूरियों को भी फ्राई कर लेंगे। अब हम पूरी को डाल के इस तरह से उसको दबाते जाएंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए तो पूरी जल्दी से फूल जाएगी। ये देखिए ये फूल कर ऊपर आ गई है। अब हम इसको पलट लेंगे, दूसरी तरफ से भी इसका अच्छा कलर आने देंगे। देखिए हमारी पूरी दोनों तरफ से अच्छा कलर आ गया है इसमें। बस अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरह से सारी पूरियाँ तड़कर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए थाली तैयार है हमारी गर्मा गर्म पूरियों के साथ। देखिए मैंने इसके साथ सर्व किया है अचार, सलाद, पापड़। तो देखिए कितनी झटपट से बनकर तैयार हो गई है हमारी आलू की सब्जी और पूरी।